देखते हैं नाइदर नॉर, नाइदर नॉर भी देखते हैं। जैसा इधर और हमने सीखा उसी प्रकार से नाइदर नॉर होता है। अब नाइदर नॉर जो होता है हमने देखा, जैसे आइदर लगाते हैं हम फर्स्ट ऑप्शन के पहले और लगाते हैं सेकेंड ऑप्शन के पहले, बाकी पीछे भाग है तो पीछे लिख दो, आगे भाग है तो आगे लिख दो। बस इसमें केवल यही अंतर हो गया कि एन एन और जुड़ गया, बस एन एन और जुड़ गए नाइदर नॉर। तो वही नाइदर लगाओ फर्स्ट ऑप्शन के पहले, नॉर लगाओ सेकेंड ऑप्शन के पहले, ठीक है ना। नाइदर लगाओ फर्स्ट ऑप्शन के पहले, नॉर लगाओ सेकेंड ऑप्शन के पहले, ठीक है। चाहे अब कहीं भी मिलें तो सबसे पहले इसमें भी हमें और दो विकल्प ढूंढने हैं, दो विकल्प बस मिल गए तो आसानी से बन जाएगा। चलिए देखते हैं कि एग्जाम्पल है, ठीक, कि हिज फ्रेंड वाज नॉट अलाउड टू सी हिम और हिज ब्रदर वाज नॉट अलाउड टू सी हिम। क्या उसके भाई को, उसके मित्र को उससे मिलने की अनुमति नहीं दी गई, देखने की या मिलने की, और उसके भाई को भी उससे मिलने की अनुमति नहीं दी गई, दोनों को ही नहीं दी गई। एक खासियत और है नाइदर नॉर में कि केवल ये दो नेगेटिव वाक्यों को ही जोड़ता है, और फिर जोड़ने के बाद जैसे ही नाइदर नॉर से जुड़ जाते हैं फिर नॉट कहीं भी नहीं लिखा जाता, यदि नॉट लिखा गया तो उसे हटा देते हैं। तो पहले हमने वाक्य में ढूंढे कि दो ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो पहला तो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा, पहला ऑप्शन है हिज फ्रेंड, दूसरा ऑप्शन है हिज ब्रदर, दो ऑप्शन दिख गए। तो नाइदर लगा के पहला ऑप्शन लिख दो, नाइदर लिखा हमने, पहला ऑप्शन क्या है हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड लिखा, फिर नॉर लगा के सेकंड ऑप्शन लिख दो हिज ब्रदर, दोनों लिख गए ना। नाइदर लगा के, नाइदर लगाया फर्स्ट ऑप्शन लिखा, नॉर लगाया सेकंड ऑप्शन लिखा, फिर बाकी बचा हुआ वाक्य दोनों में सेम है वो वाक्य लिख दो, वाज नॉट नहीं अब लिखोगे। यहाँ पे ये चीज़ खासियत होती है, अब नेगेटिव के साथ नहीं होता है नाइदर नॉर, ठीक है। अलाउड टू सी हिम, इस टाइप से वाक्य बनेगा, ठीक है ना जी। आ गया समझ में कैसे बनाया ना है। तो नाइदर लगाया पहला ऑप्शन लिखा, नॉर लगा के दूसरा ऑप्शन लिख दिया, और बाकी बचा वाक्य लिख दिया, लेकिन अब नेगेटिव नहीं होगा, अब अफर्मेटिव बना के लिखना होगा। दूसरा वाक्य देखते हैं, ही डिड नॉट कम टू स्कूल ऑन टाइम, वह सही समय पे स्कूल नहीं आया। ही डिड नॉट कम्प्लीट हिज होमवर्क, उसने अपना होमवर्क कम्प्लीट नहीं किया। अब देखो यहाँ पे ही बस तो दोनों में समान है ही, एक जे है, ऑप्शन की बात है, तो एक जे काम या जे काम, जे भी नहीं किया, जे भी नहीं किया, एक ऑप्शन जे है दूसरा ऑप्शन जे है, ठीक है ना। दो ऑप्शन है ना, दो ऑप्शन हैं, तो यहाँ पे देखते हैं आइदर के पहले फर्स्ट, नाइदर के पहले फर्स्ट ऑप्शन, नॉर के पहले सेकंड ऑप्शन, लेकिन ये तो आपको लास्ट में मिल रहा है, तो बाकी बचा वाक्य तो आपको लिखना होगा। तो बाकी बचा वाक्य आप लिखते हैं ही, लेकिन अब हमने बताया ना कि अब नेगेटिव नहीं होते हैं सेंटेंस, तो डिड नॉट अब नहीं लगेगा, डिड नॉट यहाँ भी नहीं लगेगा, यहाँ भी नहीं लगेगा। जब डिड नॉट नहीं लगेगा तो डिड नॉट हटेगा, तो सेकेंड फॉर्म तो आएगा, ठीक है ना। डिड नॉट नहीं लगाना है, नाइदर लगा के फर्स्ट ऑप्शन लिखना है, तो नाइदर लगाया और फर्स्ट ऑप्शन जो था वो इस टाइप से था कि कम टू स्कूल ऑन टाइम, कम टू स्कूल ऑन टाइम ये था, लेकिन यहाँ पे हमने डिड नॉट हटाया तो अब आपका सेकेंड फॉर्म कम का केम हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि डिड नॉट हटाया। फिर तुरंत ही नॉर लगा के सेकेंड ऑप्शन लिख दो, कंप्लीट कंप्लीट हिज होमवर्क, हिज होमवर्क, इस टाइप से आपका वाक्य बन जाएगा, ठीक है। यहाँ भी लेकिन एक गलती हो रही है, यहाँ भी तो डिड नॉट हटाया तो यहाँ भी कंप्लीटेड होगा, सेकंड फॉर्म होगा, दोनों जगह डिड नॉट हटाया तो दोनों जगह सेकंड फॉर्म भी होगा, ठीक है ना। आ गया समझ में। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, द ओल्ड मैन कुड नॉट रीड और ही कुड नॉट राइट। देखो क्या बूढ़ा व्यक्ति जो है वो क्या नहीं कर सकता है, पढ़ नहीं सकता है, लिख भी नहीं सकता है वो। तो यहाँ पे देखो वह दोबारा है ओल्ड मैन, मतलब ही लिखा गया उसे दोबारा, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे एक जे है ऑप्शन, एक जे है ऑप्शन, रीड और एक राइट, दो ऑप्शन जे है, रीड और राइट। जब दो ऑप्शन आपको मिल गए हैं तो फिर पहले बाकी बचा वाक्य आ रहा है, तो हमने लिखा कि द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन,
कुड। अब देखो हमने बताया इसका तो नॉट नहीं लिखना है। अब सोचो कुड नहीं हटेगा, नॉट अकेला हटेगा, वो तो डू डज डिड होती हैं वो हट जाती हैं, लेकिन और कोई सहायक क्रिया नहीं हटती उनका, केवल नॉट बस हटता है। ठीक है, तो कुड लिखा, इसके बाद मिल गया फर्स्ट ऑप्शन। तो नाइदर लगा के लिखा हमने, फर्स्ट ऑप्शन लिखा रीड, नाइदर रीड, और तुरंत नॉर लगा के लिख दिया दूसरा ऑप्शन। ठीक है, नॉर लगा के दूसरा ऑप्शन क्या था, राइट का था दूसरा ऑप्शन। ठीक है, जे बना दिया। तो द ओल्ड मैन कुड फर्स्ट ऑप्शन मिला, ना इधर लगा के लिखो, सेकंड ऑप्शन नॉर लगा के लिख दो। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। ही कैंट ड्राइव अ कार, ही कैंट राइड अ मोटरसाइकिल, क्या वह जो है कार नहीं चला सकता है, वह जो है मोटरसाइकिल नहीं चला सकता। ठीक है, अब यहाँ पे भी दो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। एक पहला ऑप्शन जो है ड्राइव अ कार के, वह कार नहीं चला सकता, वह राइड भी नहीं कर सकता मोटरसाइकिल को, राइड करना मतलब सवारी करना, मोटरसाइकिल भी नहीं वो चला सकता। ही कैन नॉट, पहले तो जे लिखोगे तो ही कैन बस लिखना होगा, अब नॉट हट जाएगा इसका। ठीक है ना, ही कैन लिखा, नाइदर लगा के फर्स्ट ऑप्शन लिख दो, तो नाइदर लगा के हमने फर्स्ट ऑप्शन लिखा है ड्राइव अ कार, ड्राइव अ कार। फिर नॉर लगा के सेकंड ऑप्शन लिख दो, सेकंड ऑप्शन क्या है, राइड अ मोटरसाइकिल। ठीक है ना, तो राइड अ मोटरसाइकिल। ठीक है ना, इस टाइप से ये वाक्य बन जाएगा। ठीक है, तो ही कैन लिखा, नॉट बस हटाया है, फिर ये फर्स्ट ऑप्शन मिला, ना इधर लगा के फर्स्ट ऑप्शन लिखा, अब ही कैन नॉट दोबारा नहीं लिखना है, और नॉर लगा के सेकेंड ऑप्शन लिख दो। चलिए इसके बाद अगला एग्जाम्पल लिखते हैं। ही इज नॉट सेन और ही इज नॉट ब्रिलियंट। अब देखो यहाँ पे सेन और ब्रिलियंट दो वर्ड मिल गए, तो यहाँ पे ही इज नॉट दोनों में है, हमने लिखा ही इज नाइदर, अब नॉट तो लिखना नहीं होता है, नाइदर लगा के लिखा फर्स्ट ऑप्शन सेन, और नॉर लगा के तुरंत दूसरा ऑप्शन लिखा है ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। ठीक है ना, बन जाएगा, तो ही इज नॉट नहीं अब लिखना है, फर्स्ट ऑप्शन ना इधर लगा के, नॉ लगा के सेकंड ऑप्शन लिख दो। चलिए अगला देखते हैं। द बॉयस डज नॉट लाइक हिम, द गर्ल्स डज नॉट लाइक हिम। एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, क्या बॉयस भी पसंद नहीं करते हैं, गर्ल्स भी पसंद नहीं करते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पे ये मिला फर्स्ट ऑप्शन, ये मिला सेकंड ऑप्शन, तो नाइदर शुरुआत में ही मिल गया है। अब तो नाइदर लगा के हमने फर्स्ट ऑप्शन लिखा है द बॉयस, फिर नॉर लगा के लिखा द गर्ल्स, तुरंत ही लिख देना है, और फिर इसके बाद आप डज नॉट नहीं लिखोगे, डज नॉट यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, दोनों का एक ही वाक्य है इस वजह से यहाँ नहीं। अब लिखोगे लाइक हिम, लेकिन एक बात बस भूल नहीं जाना कि डज नॉट हटाया है, डज नॉट तो क्रिया में एस जोड़ेंगे। ठीक है, इस टाइप से वाक्य होगा। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। हिज डॉक्टर डज नॉट अलाउ हिम टू ड्रिंक, हिज डॉक्टर डज नॉट अलाउ हिम टू स्मोक, ड्रिंक और स्मोक, लेकिन टू वर्ड उसके साथ जुड़ा है तो टू भी साथ में काम करेगा पूरे ऑप्शन का। ठीक है, तो वाक्य कैसे अब बन जाएगा, देखो पहले ये वाक्य लिख दो, बाकी बचा वाक्य लिख दो, तो इस टाइप से ये वाक्य बनेगा कि हिज डॉक्टर, ठीक है ना, इस टाइप से बन जाएगा हिज डॉक्टर, हिज डॉक्टर लिखने के बाद डजंट लिखा था, डज नॉट हट जाएगा, अब आएगा अलाउ, लेकिन जब डज नॉट हटाया तो क्रिया में एस जोड़ेगा हिम, ठीक है ना, और फिर इसके बाद फर्स्ट ऑप्शन मिला है, नाइदर लगा के लिख दो, नाइदर टू ड्रिंक, नाइदर टू ड्रिंक, नॉर लगा के दूसरा ऑप्शन लिख दो टू स्मोक। ठीक है ना, आया समझ में कैसे लिखा है, तो हिज डॉक्टर डजंट लिखा था, डजंट अब नहीं लिखना, हिज डॉक्टर अलाउस कर दिया हिम, फर्स्ट ऑप्शन मिला नाइदर लगा के, सेकंड ऑप्शन नॉर लगा के लिख दिया है। ठीक है ना, इस टाइप से बनाए जाते हैं नाइदर नॉर से वाक्य।